आतंकवाद का संरक्षण करता और उसे बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब यकीनन पछता रहा होगा। अब देखिए ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के गुनहगारों और उन्हें सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए खुली छूट दे दी और पूरा सहयोग देने का भी फैसला लिया है। तो इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक शांति और आर्थिक सहयोग के लिए विश्व विख्यात सोल शांति प्राइज से नवाजा गया है। लेकिन अब जो खबर हम आपको देने वाले हैं उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। UAE यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने अपने 46वें सेशन मीटिंग में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर निमंत्रण दिया है। ये निमंत्रण खुद UAE के क्राउन प्रिंस और वहां के फॉरेन मिनिस्टर हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 1969 में OIC की मीटिंग में भारत को शामिल नहीं होने दिया गया था, इसे हिंदू बाहुल्य राज्य बोलकर, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान में उस वक्त भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम थे। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने मोरक्को के रबात में OIC के फाउंडेशन प्रोग्राम में पूर्व भारतीय कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी और अन्य सदस्य देशों को पाकिस्तान के पक्ष में झुकना पड़ा था। तब से आज तक भारत इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बना। ये पहली बार है जब OIC की मीटिंग में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी होगी, वो भी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। भारत को ये निमंत्रण ऐसे वक्त पर आया है जब भारत पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे CRPF जवानों के खिलाफ पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश कर रहा है। UAE हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा होता आया है और कश्मीर के मुद्दे पर भी वो इस्लामाबाद के साथ रहा है। ऐसे में दोस्ती का हाथ बढ़ाए जाने पर उम्मीद अब जताई जा रही है कि UAE की ये पहल न केवल भारत और UAE बल्कि अन्य इस्लामिक देशों के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत बनाएगी। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 इस्लामिक देश शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान एक अहम सदस्य है। तो जाहिर है कि OIC की 46वीं मीटिंग में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर निमंत्रण देने पर पाकिस्तान की भय जरूर तन गई होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने OIC के इस इन्विटेशन को स्वीकारा है और भारत में रहने वाले 185 मिलियन मुस्लिम लोगों की तरफ से भी UAE को आभार व्यक्त किया है। यकीनन OIC के मंच पर भी भारत आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा और इस पर अहम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि न केवल भारत बल्कि कई अन्य देश भी हैं जो पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने से नाराज हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और लिखा है कि पाकिस्तान के तालिबान से संबंध सरकार की शांति बनाए रखने की कोशिशों को कमजोर कर रही है। पाकिस्तान के दखल को अफगानिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1988 के खिलाफ बताया है। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और उनकी मदद करना बंद करे। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से फोन पर बात भी की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि हमले के बाद भारत जो भी जवाबी कार्यवाही करता है अमेरिका उसके साथ है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और पाकिस्तान हर तरफ से घिर गया है। ऐसे में अब भी अगर वो भारत का सहयोग नहीं देगा और आतंक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगा तो जाहिर है न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व से पाकिस्तान को विरोध का सामना करना पड़ेगा, जिसका अंजाम यकीनन बहुत ही खतरनाक होगा।